हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश मावा से बने बिल्कुल हलवाई स्टाइल के गुलाब जामुन। और इस जामुन के लिए जो हम मावा यूज़ करेंगे उसको भी हम घर पर ही बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। जैसे कि हम सब जानते हैं, त्योहारों के आते ही खोया और मावा में मिलावट की खबरें पहले आने लग जाती है। तो आज हम खोया घर पर ही बनाएंगे और वो भी मार्केट से बहुत ही बढ़िया तैयार करेंगे। और अगर हम फ्रेश मावा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो जामुन है बहुत ही टेस्टी बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और देखने में भी कितना डिलीशियस लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना आसानी से कट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया कलर भी आया है और ये बहुत ज़्यादा जूसी भी है। तो इस फेस्टिव सीजन में इस टेस्टी और हेल्दी गुलाब जामुन को बनाएंगे हम अपने ही किचन में, और वो भी हेल्दी तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम अपने दूध को डाल लेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध से मावा बना रही हूँ। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा दूध लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब तक दूध उबलना शुरू नहीं हो जाता है हम इसको हाई फ्लेम में उबाल लेंगे। और जैसे ही ये उबलना शुरू होगा हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मिल्क है वो उफन के बाहर न गिरे। और अभी आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। हम गैस का फ्लेम मीडियम में रख देंगे और जब तक कढ़ाई में मिल ज़्यादा है हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये उफन के बाहर गिर जाएगा। और अभी इसी तरह से लगातार इसको चलाते हुए हम 30 से 40 मिनट तक उबलने देंगे। और अभी आप 40 मिनट्स के बाद देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अभी मिल्क अच्छे से गाढ़ा हो चुका है तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी। हलवाई भी इसी तरह लास्ट में घी इसमें डालते हैं जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट और कलर भी आता है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते रहेंगे। और अभी यहाँ पर हमारा खोआ बिल्कुल तैयार है। ये डो फॉर्म में आ चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और थोड़ा सा टाइट होते जाएगा। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और अभी यहाँ पर हमारा खोया बनकर रेडी है। 1.5 किलो दूध में से लगभग 350 ग्राम खोया बनकर रेडी हुआ है। और अभी इसको हथेलियों से अच्छे से दबाते हुए हम मसल लेंगे ताकि इसमें दाने ना रहे। मैंने यहाँ पर खोया घर पर ही बनाया है तो इसको बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खोआ मार्केट का है और टाइट है तो आप हल्का सा उसमें दूध डाल के फिर उसको हथेलियों से इस तरह से 5 से 10 मिनट लगातार मसलते रहिए, जिससे हमारा जो खोआ है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जब हम अपना जामुन बनाकर रेडी करेंगे और ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो फटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया 1 कटोरी। हमें पूरा 1 कटोरी मैदा नहीं डालना है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही ये डो बन के अच्छे से रेडी हो जाएगा हम मैदा डालना स्टॉप कर देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि खोया का जो डो है वो अच्छे से बन रहा है। अभी हम मैदा नहीं डालेंगे। यहाँ पर लगभग 1/2 कटोरी मैदा बचा हुआ है, हम इसको साइड में रख देंगे। और अभी थोड़ा थोड़ा डो हम अपने हाथों में लेके इसको अच्छे से मसलते हुए पहले इसको चपटा कर लेंगे। और बीच में यहाँ पर मैं एक ब्लैक किशमिश लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अभी इसको हम अच्छे से हथेलियों में मसलते हुए राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से मैं बाकी के जामुन को भी रेडी कर लूँगी। और अभी यहाँ पर मैंने जामुन को बनाकर रेडी कर लिया है। हम इसको साइड में रख देते हैं और अपनी बाकी की तैयारियों को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चाशनी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 300 ग्राम शक्कर लिया है और अभी जिस कप में हमने शक्कर लिया उसी में 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और अभी शक्कर के घुलने तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और अभी यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 इलायची लिया है जिसको कूट के पाउडर कर लिया है और केसर कलर लिया। आपके पास केसर है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं है इसलिए मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी अच्छे से इसको मिक्स करते हुए उबलने देंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से उबल के गाढ़ा होना शुरू हो गया। हमें यहाँ पर 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हम इस तरह से इसको फिंगर में लगा के देखेंगे, अगर इसमें शाइनिंग आ रहा है तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अभी हमारा चाशनी बनकर रेडी है, हम इसको साइड में रख देंगे। और दूसरे साइड में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए थे, अभी इसको चेक कर लेते हैं। और अभी एक एक करके हम इसमें गुलाब जामुन डालते जाएंगे। हमारा ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो जामुन है ऊपर से पूरा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। जामुन को फ्राई करने के टाइम में ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जामुन जो है वो फटने लगेगा।
और अभी इस तरह से हिलाते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसमें चम्मच नहीं लगाना है, चम्मच लगाने से भी जो जामुन है वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई को ही हिलाते हुए हम इसको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अगर आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं है तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो आप स्पून से भी इसको धीरे धीरे पलट सकते हैं, बहुत ज़ोर से मत कीजिएगा। और अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया कलर आ गया, हम इसको निकाल लेंगे। और अभी हम चाशनी को चेक कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और जो हमने जामुन फ्राई करके रखे थे उसको इसमें अच्छे से डाल के चाशनी में उसको अच्छे से डीप कर देंगे। 2 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको सब्र नहीं हो रहा है तो आप आधे घंटे में भी इसको खा सकते हैं। और अभी हमारा बहुत ही टेस्टी फेस्टिव सीजन स्पेशल जामुन जो है बनकर रेडी है। और अगर आपको मेरी ये टेस्टी जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बेसन लड्डू, जिसको आप 1 मंथ तक डब्बे में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन लिए है, शुगर जिसको मैंने पाउडर कर लिए है, गोंद है लड्डू में डालने वाला गोंद, घी, कैशनट और आलमंड। सबसे पहले हम अपने बेसन को भून लेंगे। मैंने लड्डू के लिए 1.5 कटोरी बेसन लिए है। अभी हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में इसका कच्चा स्मेल जाने तक इसको भून लेंगे। ये अच्छे से भून जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें अच्छे से स्मेल भी आने लग जाएगी। गैस का फ्लेम हम पूरा लो में रखेंगे और इस तरह से इसको मिलाते हुए कंटिन्यू हम भून लेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बेसन का कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। अभी इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गया है। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और थोड़ा भूनेंगे। इस तरह से बेसन के जो गांठे हैं उसको ऐसे दबाते हुए हम तोड़ लेंगे और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। अभी देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। अभी लगभग मैंने 15 मिनट्स तक इसको भून लिया है, पर अभी थोड़ा और इसको भूनना है। अभी बेसन जो है अच्छे से भून चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है। इस बेसन को भूनने में लगभग मुझे 25-30 मिनट्स लग गया है। अभी ये अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, अगर और चाहिए रहेगा तो उसके हिसाब से और डालेंगे। अभी इसको भी मिक्स करते हुए हम गैस का फ्लेम लो में रखेंगे और इसको भूनते रहेंगे। इसको बीच बीच में ऐसे दबा दबा के इसका जो गांठे हैं उसको खोल के अच्छे से घी को मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा बेसन ठंडा हो रहा है हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा घी लेंगे, कैशू नट को इसमें डाल देंगे, आलमंड, इसको थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं यहाँ पर जो गोंद है उसको ऐड कर दूंगी। अभी इसको भी हम भून लेंगे। अभी ये अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं गोंद भी अच्छे से भून चुका है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लेंगे। अभी बेसन जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1.5 कटोरी बेसन के लिए लगभग मैंने 1 कटोरी में से बस 2 स्पून बचा है, लगभग 1 कटोरी शुगर मैंने यूज़ किया है। अभी ये वाला शुगर भी हम बाद में कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स और गोंद को क्रश कर लिया था वो ऐड कर देंगे। अभी इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम इस तरह से इसको बांध के देख सकते हैं। अगर ये बन रहा है तो हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर लगे आपको कि लड्डू बन नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा घी और गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। मेरा लड्डू जो है उतने घी में बन रहा है तो मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं है।
अभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो बेसन है हम लेके उसको अच्छे से ऐसे बांध देंगे। आपको लड्डू कितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। पहले उसको हल्का हल्का हम बांधेंगे, फिर धीरे धीरे उसको दबाते हुए इस तरह से राउंड कर लेंगे। इसको ऐसे धीरे धीरे दबाएंगे तो ये अच्छे से राउंड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं लड्डू जो है बन गया। इसी तरह से मैं बाकी के लड्डू भी रेडी कर लूंगी। अभी यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब मैं इसमें एक एक करके शुगर का इस तरह से कोट लगा दूंगी। अगर आप इस तरह से शुगर का कोट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमारा टेस्टी टेस्टी लड्डू जो है बनकर रेडी है। आप इसको डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मर्जी खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्वीट रेसिपी, वो भी बिना गैस जलाए हुए मात्र 3 चीजों से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अब हम सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी जो है मेल्टेड नहीं होना चाहिए। और अब मैंने 1/2 कप जो है शुगर पाउडर ले लिया है जिसे ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे इसी तरीके से 4 to 5 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। और अब 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल एकदम क्रीमी हो गया है। तो हमें इसका टेक्सचर इसी तरीके से रखना है। और अब हम ले लेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, 1 कप जो है रोस्टेड चना दाल जिसे हम इडली या डोसा की चटनी के लिए यूज करते हैं। और अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे भी बोल में डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स हो चुका है, हम इसे हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। और इसका क्रीमी टेक्सचर होने की वजह से हम स्वीट का जो भी शेप देंगे वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। और अब हम एक एक करके सारे स्वीट को तैयार कर लेंगे। तो मैं ये पेड़े का शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे गार्निशिंग के लिए ये काजू यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पिस्ता या बादाम भी यूज कर सकते हैं। और अब हमारा स्वीट रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे रोस्टेड चना का पेड़ा या फिर सत्तू का पेड़ा या फिर आप चाहे तो इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी स्वीट रेसिपी मिल्क पाउडर पेड़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। और अब हम यहाँ पे 1 कप मिल्क ले लेंगे जिसे मैंने बॉईल कर लिया और ठंडा है। और यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून घी ले लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1.5 कप जो है मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इस पर लम्ब्स नहीं पड़ेंगे। और इसलिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ ही रखा है जिससे ये ठंडा होने की वजह से अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 इलायची ले लिया जिसे पाउडर कर लिया है। और अब हम इसे मिक्स करते हुए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी ठीक होते जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैं ऐसे कंटिन्यूसली स्पून चलाते रहना है क्योंकि अगर आप इसे जैसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपक के ये जल सकता है। तो इसे कंटिन्यूसली आप घुमाते रहे चम्मच को। और अब आप देख सकते हैं ये कितना जल्दी ठीक हो गया और ये डो फॉर्म पे आ गया। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप शुगर पाउडर ले लिया है। आप मीठा जो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे।
और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डोजो बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैंने हाथ में घी लगा लिया है और अब हम इस तरीके से एक एक पेड़े को रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप दे रही हूँ, उसके बाद हम इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे और आप गार्निशिंग के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे किशमिश लगा रही हूँ। तो हम इस तरीके से पेड़े को तैयार कर लेंगे और अब हमारा मिल्क पाउडर पेड़ा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।